क्रिकेट की दूसरी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो कि 4 अगस्त 2021 को शुरू हुई थी। 9 देशों की भागीदारी वाली इस टेस्ट चैंपियनशिप में भारत और न्यूजीलैंड के साथ साथ इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीमों के अलावा पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, वेस्टइंडीज और अफगानिस्तान की टीमों ने भी भाग लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भले ही पहली क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप में न्यूजीलैंड ने फाइनल मैच में भारत को करारी शिकस्त देकर जीत का खिताब अपने नाम कर लिया था, लेकिन इस बार विराट कोहली और उनकी सेना कमर कसकर मैदान में उतर चुकी है। विराट का कहना है कि पिछली हार से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, जिसका हम पूरा फायदा उठाएंगे और अपनी गलतियों में सुधार करते हुए इस चैंपियनशिप को अपने नाम कर लेंगे। इस बार भारतीय क्रिकेट में हुए बदलाव की अगर बात करें तो अंडर 19 इंडिया के कोच रह चुके राहुल द्रविड़ अब सीनियर भारतीय टीम के मुख्य कोच का जिम्मा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल द्रविड़ का कहना है कि सीनियर टीम को ट्रेन करने के लिए उन्होंने अपने कोचिंग स्टाइल में थोड़ा बदलाव भी किया है। द्रविड़ का मानना ये भी है कि ये उनके लिए सीखने का बहुत अच्छा मौका है। Yeah, I think it's a phenomenal achievement. I think it's a, you know, Harbhajan Singh was a really fine bowler and someone I played a lot of cricket with and, you know, terrific bowler for India. And what Ashwin's done to be able to go past him in just 80 test matches is a phenomenal achievement. I think Ashwin's one of those guys who's just, he's been an absolute match winner for India. Even today you saw on this difficult wicket, the way he pulled us back into the game on that third morning with that spell of 11 overs, was absolutely phenomenal. And then today, you know, just to keep us alive in the game, constantly be threatening on wickets like this, is a tribute to his skill and ability. I think he's just evolved, he's kept growing. He's one of those guys who keeps thinking about the game, keeps changing, keeps evolving. And that's why he's got where he has. I mean, you don't achieve what Ashwin has achieved without growing and improving and evolving. पहले क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप में भारत के लिए सबसे ज्यादा 71 विकेट लेने वाले रविचंद्रन अश्विन और सबसे ज्यादा 1094 रन बनाने वाले रोहित शर्मा के ऊपर इस बार भी ज्यादा जिम्मेदारियां रहेंगी। वहीं दूसरी ओर टीम इंडिया ये भी उम्मीद करेगी कि विराट कोहली और टीम के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे जैसे दिग्गज बल्लेबाज भी अपने फॉर्म में वापस नजर आएं। हम अगर भारतीय टीम की गेंदबाजी की बात करें तो देखा ये गया है कि भारतीय तेज गेंदबाज भारतीय पिचों पर भी इतने असरदार साबित नहीं हो सके हैं जितने कि स्पिन गेंदबाज, क्योंकि भारतीय स्पिनरों ने न केवल भारत में ही बल्कि विदेशी पिचों पर भी अपना जलवा बिखेरा है। रविंद्र जडेजा और अश्विन की गेंदबाजी को देखकर ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले अधिकतर मैचों में दोनों ने अपनी जगह पक्की कर ली है, लेकिन बात करें अगर तेज गेंदबाजी की तो वहां पर जरूर कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार सिटी 24।